हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विथ मी, मेरा मेकअप रिमूवल और मेरा स्किन केयर रूटीन, कि कैसे मैं अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ और मेरा जो स्किन केयर है मैं उसे कैसे फॉलो करती हूँ या उसके लिए मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। पॉइंट नंबर वन, जब भी आप कोई न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई आउट करें या यूज करने के लिए आप रेडी हो तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। एंड पॉइंट नंबर टू, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करें तो ये बात तो जरूर माइंड में रखें कि जो आपका स्किन टाइप है, मतलब कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चूज करें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले मैं रिमूव करूंगी मेरा मेकअप, क्योंकि मैंने आज वाटरप्रूफ आईलाइनर अप्लाई किया है तो उसके लिए मुझे ऑयल बेस्ड या क्लिंजिंग ऑयल की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली ये रिमूव नहीं होता है किसी भी मेकअप रिमूवर से, मुझे ऑयल यूज करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी और उसके लिए मैं क्लिंजिंग ऑयल भी यूज करूंगी एंड सिंपल का ये माइसला वाटर भी। तो मेकअप रिमूव हो चुका है। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिपस्टिक रिमूव क्यों नहीं की। एक्चुअली ये मेरी लिपस्टिक मैंने रिमूव कर दी है, लेकिन ये मैंने यूज की थी लॉरियल की रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक जो कि आपके लिप्स को स्टेन कर देती है, इसलिए अब ये काफी देर रहेगी, इतनी जल्दी रिमूव नहीं होगी। फेस वॉश के लिए फिलहाल मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी पोर क्लिंजिंग फेस वॉश, क्योंकि अभी मैं यही फिलहाल यूज कर रही हूँ, ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फेस को मैंने क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे टोनर, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ थायोले का विटामिन सी एंड रोज हिप टोनर। फिलहाल आप किसी भी ब्रांड का टोनर यूज कर सकते हैं, बस वो टोनर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी द फेस शॉप का वाइट सीड ब्राइटनिंग लोशन जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। और आज मैं कोई भी सीरम यूज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने एक सीरम यूज किया था और अभी फिलहाल मुझे सीरम यूज नहीं करना है। वैसे ये लोशन बहुत ही अच्छा है फिलहाल, मतलब जो ये क्लेम करता है ब्राइटनिंग लोशन, ये उसी के अकॉर्डिंग है भी। मेरी आईज थोड़ी सी रेड लग रही है इसलिए उसे इग्नोर करिएगा। लास्ट स्टेप है इस स्किन केयर को सिक्योर या प्रोटेक्ट करने का, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन। फिलहाल अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं, इसलिए सनस्क्रीन यूज करना बहुत ही मस्ट है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो स्किन केयर है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने मेकअप भी बहुत अच्छे से रिमूव कर लिया और हमारा जो स्किन केयर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मली मेरा जो स्किन केयर होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करती हूँ तो, अदरवाइज 5 मिनट में स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि है
जो कि था गेट अनरेडी विथ मी, मेरा मेकअप रिमूवल और मेरा स्किन केयर रूटीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।